इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंक मोजेस नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अकेला अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहा है। और फ्रैंक CIA से रिटायर्ड है। फ्रैंक बिना अलार्म सेट किए ही सुबह 6 बजे करेक्ट टाइम जग जाता है और एक्सरसाइज करके अपनी रूटीन मेल चेक करता है। फ्रैंक को मेल में गवर्नमेंट पेंशन चेक मिलता है तो वो सैरा रॉस नाम की लड़की को कॉल करता है। सैरा रॉस पेंशन ऑफिस में काम करती है। हालांकि फ्रैंक को पेंशन चेक मिल चुका था पर वो चेक को फाड़ता हुआ सैरा से कहता है कि चेक अभी पहुंचा ही नहीं। तो सैरा कहती है कि कोई बात नहीं, हम दूसरा भेज देंगे। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि फ्रैंक ऐसा बार बार करता है क्योंकि इस बहाने वो सैरा से बात कर लेता है। वो सैरा को पसंद करता है और सैरा को भी फ्रैंक से बात करना पसंद है। हालांकि इनकी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है अब तक। अब क्रिसमस आने वाला था तो फ्रैंक देखता है कि उसके नेबर्स ने अपने घरों के आसपास काफ़ी डेकोरेशन कर रखी थी। हालांकि फ्रैंक को इसमें ज़्यादा रुचि नहीं थी पर सब कर रहे हैं। तो वो रेंडियर की एक टीम सेट करके एक स्नोमैन अपने घर के पोर्च में लगा देता है। एक दिन फ्रैंक हिम्मत करके सैरा से कहता है कि वो उससे मिलने कैंसर सिटी आएगा। तो सैरा कहती है कि आने से पहले इन्फॉर्म कर देना। एक रात फ्रैंक जब जगकर नीचे जाता है और किचन की तरफ जा रहा होता है तो पीछे से स्वाइट यूनिफॉर्म पहने 3 आदमी चुपचाप उसको फॉलो करते हैं। फ्रैंक किचन बंद कर लेता है और एक आदमी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है पर फ्रैंक वहाँ पर नहीं था। वो पीछे से आकर एक एक करके तीनों का काम तमाम कर देता है। एक आदमी के रेडियो पर कोई रिपोर्ट मांग रहा होता है तो फ्रैंक को रियलाइज़ होता है कि बाहर दूसरी टीम भी हो सकती है। वो कुछ बुलेट्स को एक फ्राई पैन में ऑयल डालकर गैस पर रख देता है और बेसमेंट में जाकर हथौड़े से फर्श तोड़ता है जहां एक बॉक्स में उसने वेपन्स, पैसे और पासपोर्ट स्टोर कर रखे थे। बुलेट्स गर्म होकर ऐसा सीन क्रिएट होता है जैसे गन फाइट हो रही हो। तभी 3 बंदे फ्रैंक के घर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग करते हुए बढ़ते हैं। जब वो अंदर पहुँचते हैं तो फ्रैंक इन तीनों का भी गेम ओवर कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सैरा एक डेट पैसे वापस आती है पर उसे वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो फ्रिज में से बियर निकालकर पीती हुई लिविंग रूम की तरफ बढ़ती है पर हॉलवे में फ्रैंक मोजेस खड़ा था तो वो सैरा को हाई करता है पर सैरा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और जाने को कहती है। सैरा देखती है कि फ्रैंक ने उसके रूम को क्लीन करके उसके बैग को पैक कर रखा था। सैरा फ्रैंक की अनएक्सपेक्टेड विजिट से घबरा गई थी। फ्रैंक सैरा को शांत करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कोई मुझे मारना चाहता है और हमारी तुम्हारी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए उन्हें तुम्हारा भी पता चल गया होगा तो तुम्हारी जान भी खतरे में है। यहाँ एक SUV फुल ऑफ ऑपरेटिव्स पहुँच जाती है पर इससे पहले फ्रैंक सैरा को लेकर यहाँ से निकल चुका था। रास्ते में फ्रैंक सैरा से माफ़ी मांगता है, हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। पर उसने सैरा के मुंह पे टेप लगा दिया था और उसके हाथ भी बांध दिए थे ताकि वो हल्ला न मचा दे। दूसरी तरफ हमें एक मॉडर्न हाउस में विलियम कूपर नाम का बड़ा ही स्मार्ट एजेंट दिखाया जाता है। यहाँ से कुछ जगह से वो बाल कलेक्ट करता है और फिंगरप्रिंट्स भी। फिर वो एक आदमी के पास जाता है जो कि फंदे से लटका था पर पैर उसके कुर्सी पे थे। विलियम उसके मुंह से टेप हटाता है तो वो आदमी कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। पर कूपर उसे सच में छोड़ देता है पर मरने के लिए और बाहर आकर अपनी बॉस के साथ निकल जाता है। विलियम कूपर की बॉस का नाम सिंथिया विल्स है। वो विलियम कूपर को फ्रैंक को मारने का काम सौंपती है और बताती है कि फ्रैंक एक रिटायर्ड CIA एनालिस्ट है। वहीं फ्रैंक सैरा को न्यू ऑर्लियंस के एक होटल में बंधा छोड़कर कहीं जाने लगता है और जाते जाते फ्रैंक सैरा से कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही प्यारी हैं, ऐसे ही बंधे हुए चुपचाप लेटे रहना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। फ्रैंक फिर एक ओल्ड एज होम जाकर अपने एक पुराने दोस्त जो मैथिनसन से मिलता है जो कि एक रेड ट्रैक सूट पहनकर बैठा हुआ था और अपनी यंग एज मैरना का बैक व्यू देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। जब वो बैंड होकर उसका TV ठीक कर रही थी, बड़ा ही ठरकी बुड्ढा है। फ्रैंक जो को अकेले में ले जाकर बताता है कि एक वेट टीम ने मुझ पर हमला किया है। तो जो पूछता है कि किसी की ID हाथ लगी है क्या, तो फ्रैंक कहता है उनकी उंगलियां काट लाया हूं मैं, फिंगरप्रिंट्स से चेक कर लो ID। वहीं एक जेट में विलियम कूपर कहीं जा रहा था और फ्रैंक के घर से मिले कुछ फटे कुचले पेपर्स चेक कर रहा था। उसे तो पेपर जोड़कर फ्रैंक मोजेस का पेंशन चेक मिल जाता है।
फ्रैंक और सैरा की कॉल रिकॉर्ड देखकर वो किसी को क्रिटिसाइज करने लगता है कि फ्रैंक ने सैरा को 22 बार कॉल किया। क्या CIA के लोग घास खा रहे हैं क्या? कोई इतनी बड़ी डिटेल कैसे मिस कर सकता है? वहीं फ्रैंक के जाने के बाद सैरा ने बड़ी मशक्कत के बाद खुद को फ्री करा लिया था। वो 911 पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और ये बात विलियम कूपर को भी पता लग जाती है। वह किसी को सैरा को पिक करने के लिए ऑर्डर दे देता है और पायलट से कहता है कि न्यू ऑर्लियंस की तरफ मुड़ लो। जो फ्रैंक को बताता है कि जिस हिट स्क्वाड ने तुम पर हमला किया उन्हीं के लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्टर स्टीफन चैन को मारा है। ये कौन है पता नहीं, पर इसका कहीं ना कहीं तुम्हारे केस से कनेक्शन जरूर है। फ्रैंक कहता है कि जो तुम अपना ध्यान रखना। जो कहता है कि मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ और मुझे स्टेज 4 लिवर कैंसर है, कुछ हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। सैरा को लेने पुलिस आ जाती है। जब ये ज़्यादा पूछताछ करने लगते हैं सैरा से तो सैरा घबरा जाती है और बहाना बनाती है कि मेरा पर्स होटल में रह गया है, मैं लेके आती हूँ। पर वो पुलिस अफसर उसको पकड़ लेता है और एक तरफ ले जाकर जबरदस्ती एक इंजेक्शन देने वाला होता है। पर तभी एंड टाइम पर फ्रैंक यहाँ पर पहुँच जाता है और उस पुलिस अफसर को ढेर कर देता है और सैरा को पुलिस की कार में लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ एंट्री होती है विलियम कूपर की। वो अपनी ब्लैक SUV से फ्रैंक की कार में टक्कर मारता है और फ्रैंक बड़े गजब स्टाइल से चलती कार से उतरकर विलियम कूपर पर दनादन फायरिंग करता है। और फ्रैंक 911 पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करके बताता है कि ब्लैक SUV में एक आदमी है जिसने एक पुलिस वाले को मारा है। और इसके बाद फ्रैंक सैरा को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जबकि विलियम कूपर को पुलिस वाले घेर लेते हैं। अब फ्रैंक और सैरा न्यूयॉर्क सिटी जाते हैं उस रिपोर्टर स्टीफन चैन के घर उसकी मॉम से मिलने। अब सैरा धीरे धीरे फ्रैंक से इम्प्रेस होने लगती है और उसे अब फ्रैंक पर भरोसा है कि वो एक CIA एजेंट है। सैरा कहती है कि मैं एक लेडी हूँ तो मुझ पर ट्रस्ट करके स्टीफन चैन की मॉम हमें आसानी से जानकारी दे देंगी। स्टीफन चैन की मॉम बताती है कि स्टीफन की मौत को इस तरह शो किया गया जैसे उसके अपार्टमेंट में डकैती हुई और डकैती के दौरान ही उसकी मौत हुई, पर उसके अपार्टमेंट से तो कुछ भी गायब नहीं है। वो डकैती नहीं बल्कि कोई से मारने ही आया था। मिसेस चैन एक पोस्टकार्ड दिखाती है जो उसी दिन स्टीफन के यहाँ से आया था जिस दिन वो मारी गई। फ्रैंक देखता है कि पोस्टकार्ड पे कुछ कोड्स हैं। फ्रैंक पूछता है कि स्टीफन चैन किस कॉलेज जाती थी। कॉलेज का पता जानकर फिर ये दोनों उस कॉलेज के लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। फ्रैंक बताता है कि ये नंबर्स लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम से हैं और इसकी मदद से इन्हें एक बुक मिलती है जिसमें कुछ नामों की लिस्ट का एक पीस ऑफ पेपर मिलता है। इन नाम्स को देखकर फ्रैंक को रियलाइज होता है कि इस लिस्ट के मैक्सिमम लोग अभी हाल फिलहाल में मारे गए हैं। वहीं जो अपने रूम में बैठा होता है तो एक आदमी उसे मारने पहुंच जाता है, पर जो उसे शीशे में देख लेता है और कहता है ओह तो ये ऐसे होने वाला है। कुछ देर बाद जब फ्रैंक जो को कॉल करता है तो नर्स मैरी बताती है कि जो अब नहीं रहा, किसी ने उसे मार दिया है। ये जानकर फ्रैंक को बहुत दुख होता है। वो सैरा से कहता है कि बस अब एक ही आदमी है जो हमारी अभी भी हेल्प कर सकता है। वहीं विलियम कूपर CIA के रिकॉर्ड रूम जाकर वहां के रिकॉर्ड कीपर हेनरी से मिलता है और फ्रैंक के बारे में पूछता है। तो हेनरी बताता है कि फ्रैंक मोजेस एक रिटायर्ड ब्लैक ओप्स एजेंट है। उसने CIA के लिए कई वैरायटी ऑफ काम किए थे। वह हर तरह के स्पाई क्राफ्ट में एक्सपर्ट है और रिटायरमेंट के बाद उसे RED रेड का टैग दिया गया, यानी कि रिटायर्ड एक्सट्रीमली डेंजरस। वो अभी एक टॉप एक्स एजेंट है। पर विलियम कूपर भी गजब का एजेंट है। वो CIA के लिए असैसिन के रूप में काम करता है। दूसरी तरफ फ्रैंक और सैरा फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं। वहां एक बोट देखकर सैरा बहुत खुश होती है और कहती है कि ओह तो हम इसकी सवारी करेंगे। सैरा अब फ्रैंक की कंपनी एंजॉय कर रही होती है और उसे फ्रैंक के काम से डर भी नहीं था। उसे फ्रैंक पर पूरा भरोसा है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। ये बोट चुराकर एक जगह पहुंच जाते हैं जहां एक पुराना घर था। फ्रैंक सैरा को एडवाइस करता है कि करीब रहना और शांत रहना। तभी यहाँ पर मार्विन नाम का आदमी अचानक से कूदकर सामने आ जाता है। इसने अपने को छुपाने के लिए बड़े बेढंगे कपड़े पहन रखे थे। वो फ्रैंक पर हथियार सेट कर देता है पर फ्रैंक से समझाता है कि हम तुम्हें मारने नहीं आए। तो फ्रैंक से कन्विंस होकर वो इन दोनों को अपने हाइड आउट ले जाता है जो कि कार के अंदर होकर अंडरग्राउंड में था। जो की तरह मार्विन भी फ्रैंक का पुराना साथी है। फ्रैंक सैरा से कहता है कि मार्विन के सामने फोन और सैटेलाइट का जिक्र मत करना।
तो सैरा पूछती है कि मार्विन के इस अजीब से बिहेवियर का क्या कारण है। तो फ्रैंक कहता है कि जब मार्विन CIA में था तो वो एक माइंड कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा था। उसे 11 साल तक LSD की डोज दी गई और इसी वजह से इसकी दिमागी हालत थोड़ी सी लूज है, पर बंदा बहुत ही टैलेंटेड है। फ्रैंक मार्विन को अब तक का पूरा माजरा समझाता है। तो मार्विन उस लिस्ट के नामों की डिटेल्स को चेक करता है और बताता है कि ये सभी 1981 के ग्वाटामाला मिशन में इन्वॉल्व थे और फ्रैंक हम दोनों भी उसका हिस्सा थे। मार्विन बताता है कि तब ग्वाटामाला में हत्याकांड हुआ और उसके बाद वहां गांव में हमें क्लीन अप करना पड़ा। हो सकता है कि इस वजह से जो जो उस मिशन में इन्वॉल्व थे उन्हें अब कोई मार रहा है ताकि वो राज किसी को पता ना चले कि वहां पर हुआ क्या था। पर उस लिस्ट का एक आदमी गैब्रियल अभी भी जिंदा है, वो अब एक कार्गो पायलट है। नेक्स्ट डे जब ये जाने लगते हैं तो मार्विन काफी एक्साइटेड था। वो कहता है कि आई एम गोइंग टू गेट द पिग। ये दोनों फिर यहाँ से निकलकर एक जगह लंच करते हैं। इन्हें पता चलता है कि गैब्रियल नेक्स्ट डे इस शहर में आने वाला है। मार्विन यहाँ एक हेलीकॉप्टर देखकर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, पर वो हेलीकॉप्टर की आईडी नोट कर लेता है। ये तीनों फिर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और मार्विन के हाथ में एक स्टफ्ड पिंक पिग था, इसलिए उसने पहली बारी बात कही थी। मार्विन रास्ते में एक औरत को पकड़ लेता है और गन दिखाकर डराता है। वो पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो, तुम में से वॉशिंगटन की सी स्मेल आ रही है। मार्विन फ्रैंक को कहता है कि मैंने देखा है कि ये हमारा पीछा कर रही है, क्या मैं इसे उड़ा दूं? इसके बैग में कैमरा है शायद और ये उनमें से एक है। पर फ्रैंक उसे शांत करता है और उस लेडी का पर्स खाली करके दिखाता है कि सब पर शक करना बंद करो मार्विन, नहीं है कैमरा। तो मार्विन अब बड़ा एम्बैरस्ड फील करता है। एयरपोर्ट पहुंचकर इन्हें गैब्रियल मिल जाता है। ये उसे ग्वाटामाला मिशन के बारे में पूछते हैं और काफी प्रेशराइज करने पर गैब्रियल बताता है ग्वाटामाला मिशन का मेन मकसद एक आदमी को उस गांव से निकाल कर लाना था और उस आदमी ने वहां जो भी किया था उसके सबूत मिटाना था। वो और कुछ बता पाता तभी मार्विन को फिर से वही हेलीकॉप्टर दिखाई देता है इनकी तरफ आता हुआ। उसमें से एक शार्प शूटर गैब्रियल को मार देता है और विलियम कूपर के ऑर्डर पर इन तीनों की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। ये तीनों यहाँ टावर से बचकर निकल जाते हैं और बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ कई सारे असैसिन इन पर अटैक कर देते हैं। मार्विन फ्रैंक को अपने पिगी बैग से एक फोल्डेड ग्रेनेड लॉन्चर देता है जिससे फ्रैंक एक आध को उड़ा देता है। मार्विन एक दिन पहली वाली लेडी को देख लेता है, ये भी असैसिन है। वो लेडी मार्विन को ओल्ड मैन कहती है। तो मार्विन फ्रैंक से परमिशन लेता है कि क्या अब मार सकता हूं उसे। तो फ्रैंक से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मार्विन उस पर गोली चला देता है और वो गोली लेडी की चलाई हुई रॉकेट को टकराती हुई और एक्सप्लोजन से उस लेडी का काम तमाम हो जाता है। ये तीनों यहाँ से बचते बचाते निकल जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें और जानकारी चाहिए, हमें अब CIA के रिकॉर्ड रूम में घुसना होगा। तो मार्विन कहता है कि ये एक सुसाइड मिशन है, पर फ्रैंक को पता है कि उसे हेल्प कहाँ से मिल सकती है। ये तीनों फिर रशियन फेडरेशन हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, पर फ्रैंक अकेले ही अंदर इंटर करता है। यहाँ उसकी मुलाकात इवान से होती है जो कि एक ओल्ड सीक्रेट एजेंट है। इवान को अब तक लगता था कि फ्रैंक ने उसके कजन को मारा है, पर ये दोनों दोस्त हैं, ये वोडका शेयर करते हैं। इवान को ये जानकर हैरानी होती है कि फ्रैंक ने उसी कजन को छोड़ दिया था जो कि अब 500 पाउंड का एक मोटू इंसान है। इवान कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैंने कई सालों से किसी को नहीं मारा। फ्रैंक जब उससे हेल्प मांगता है तो इवान फ्रैंक की हेल्प करने को राजी हो जाता है और CIA के हेडक्वार्टर का ब्लूप्रिंट भी देता है और घुसपैठ करने के लिए जरूरी चीजें भी। पर इवान कहता है कि यार ये एहसान उधार रहा तुझ पे। फ्रैंक और सैरा फेक आईडी यूज करके CIA की बिल्डिंग में घुस जाते हैं और रिकॉर्ड रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां पर रिकॉर्ड कीपर हेनरी फ्रैंक को देखकर बहुत खुश होता है, जल्दी से ग्वाटामाला की फाइल सौंप देता है। वो बताता है कि एक दिन पहले विलियम कूपर नाम का एजेंट तुम्हारी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आया था। ये सुनकर फ्रैंक सैरा को भेजकर खुद विलियम कूपर से दो दो हाथ करने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। अब फ्रैंक ने विलियम कूपर के ट्रेनर को भी ट्रेन किया था और वो इतना ओल्ड होके भी विलियम कूपर को बुरी तरह पीट कर यहां से चला जाता है। फिर सैरा से मिलकर फ्रैंक एक मेंटेनेंस रूम में कुछ केमिकल मिक्स करके एक बॉम्ब सेट कर देता है और फिर फायर अलार्म बजाकर भीड़ के साथ यहाँ से निकलने लगता है। फ्रैंक एक फायरमैन की यूनिफॉर्म और हेलमेट लेकर आराम से सैरा के साथ CIA की बिल्डिंग से निकल जाता है जहाँ बाहर मार्विन एम्बुलेंस में इनका वेट कर रहा था। पर वहां जो भी मौजूद था और इनकी टीम ज्वाइन करने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। सैरा कहती है कि ये वही जो है जो मारा गया था।
तो जो बताता है कि मैंने अपनी मौत का नाटक किया जब वो कातिल मुझे मारने आया था। दरअसल जो प्रिपेयर्ड था उसने उस कातिल को अपनी साइलेंस गन से साइलेंटली मार दिया था। वहीं ऑफिस में विलियम कूपर पिटा पिटाया बैठा था और उसकी बॉस सिंथिया आके उसे टॉन्ट करती है कि एक रिटायर्ड आदमी से पिट गए तुम, क्या बात है, पर तुम्हारा मिशन अभी भी सेम है, फ्रैंक का काम जल्दी से तमाम करो। फ्रैंक अपनी टीम के साथ विक्टोरिया के घर पहुंच जाता है। विक्टोरिया भी एक रिटायर्ड एजेंट है। अब फ्रैंक को विलियम कूपर से लड़ते वक्त गोली लग गई थी पर वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता था, तो वो इसलिए विक्टोरिया के पास आया है। विक्टोरिया फ्रैंक की मरहम पट्टी करती है और कहती है कि मैं पुराने दिनों को बहुत मिस करती हूँ। वो सैरा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर ये अभी तक की मिली इन्फॉर्मेशन को चेक करने लगते हैं। डिटेल्स दिखने पर पता चलता है कि उस रिपोर्टर की लिस्ट में एक ऐसे आदमी का नाम है जिसका नाम ग्वाटेमाला की फाइल में नहीं है। यह है एक आर्म डीलर अलेक्जेंडर ड्यूनिंग, जो कि काफी सिक्योरिटी के साथ अपने मेंशन में रहता है। इसके बाद जो एक अफ्रीकन डिक्टेटर का डिफेंस मिनिस्टर बनकर हथियार खरीदने के बहाने अलेक्जेंडर से मिलने का प्लान बनाता है और फ्रैंक और मार्विन उसके गार्ड्स बन जाएंगे। ये तीनों फिर अलेक्जेंडर के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और सैरा और विक्टोरिया साथ थी। विक्टोरिया अपनी स्नाइपर गन लेकर रेडी थी। विक्टोरिया सैरा से कहती है कि फ्रैंक को मैंने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा, वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है, अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी इसी जंगल में छुपा दूंगी मैं। विक्टोरिया बताती है कि मुझे भी एक एजेंट से प्यार हुआ था पर हमारे काम की वजह से किसी एजेंट से रिलेशनशिप में पड़ना अलाउड नहीं था। जब सवाल मेरी लॉयल्टी पे आया तो मुझे उसे मारने का ऑर्डर दिया गया और मैंने उसकी छाती में 3 गोली उतार दी। वहीं फ्रैंक जो और मार्विन अलेक्जेंडर को बांधकर अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताते हैं। ये अलेक्जेंडर को काफी टॉर्चर करते हैं, तो वो बताता है कि ग्वाटेमाला में जिस शख्स को वहां से निकाला गया वो और कोई नहीं बल्कि मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट है रॉबर्ट स्टैंटन। वो उस टाइम एक लेफ्टिनेंट था, उसका उस टाइम दिमाग खराब हो गया और उसने वह गांव में सबको मार दिया था और अब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाला है। तो उसने CIA को अपना पर्सनल हिट स्क्वाड की तरह यूज करके ऑर्डर दिया है कि सभी को मार दिया जाए जो भी ग्वाटेमाला मिशन में इन्वॉल्व थे, ताकि उसका राज राज ही रहे। इनकी बातें बाहर कुछ दूरी पर मौजूद CIA की टीम सुन पा रही थी पर क्लियरली नहीं, क्योंकि अलेक्जेंडर ने अपनी आर्म डीलिंग हिस्ट्री की वजह से यहाँ पर साउंड एब्जर्वर लगा रखे थे। तो टीम इनके घर को घेर लेती है। विक्टोरिया ये बात फ्रैंक को रेडियो पर मैसेज कर देती है। मार्विन और जो को पता था कि अब एस्केप कर पाना मुश्किल है, किसी एक को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि बाकी दोनों सेफ निकल पाएं। विलियम कूपर को सिंथिया से इनकी टिप मिली थी तो वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है और इनको सरेंडर करने को कहता है। तो फ्रैंक कहता है कि वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किए गए देश के साथ गद्दारी का खुलासा करना चाह रहा है। ये सुनकर विलियम कूपर के होश उड़ जाते हैं और अब उसका अपने मिशन से भरोसा उठने लगता है कि शायद सिंथिया ने उसका यूज किया है वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, पर वो अभी भी अपनी डिमांड पर कायम रहता है। फ्रैंक बाहर जाने को राजी हो जाता है तो विलियम कूपर टीम को फायर न करने की ऑर्डर देता है। फ्रैंक फिर एक बड़ा सा ट्रेंच कोट और हेड पहनकर बाहर निकलता है पर तभी उसे कोई अनजान स्नाइपर शूट कर देता है। विलियम कूपर जाकर चेक करता है कि ये तो फ्रैंक नहीं बल्कि जो है। दरअसल गोली विक्टोरिया ने ही चलाई थी। वो विलियम कूपर पर भी फायरिंग करती है ताकि फ्रैंक और मार्विन यहां से निकल सकें। भागते भागते सैरा बर्फ में फिसल कर गिर जाती है और पकड़ी जाती है और बाकियों को इवान आकर रेस्क्यू कर लेता है। फ्रैंक ये देखकर सरप्राइज्ड है कि इवान और विक्टोरिया एक दूसरे को जानते हैं और जानते ही नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और अब फ्रैंक सैरा को बचाने की प्लानिंग करता है। वहीं विलियम कूपर सैरा से इंटेरोगेट करता है और कहता है कि किसी को नहीं पता कि तुम कहां पर हो और कोई नहीं आ पाएगा तुम्हें बचाने के लिए। तभी फ्रैंक का कॉल विलियम कूपर को आता है। फ्रैंक कहता है कि हमें उनको बचाना चाहिए जिन्हें हम प्यार करते हैं, और फ्रैंक का कॉल ट्रेस करने पर विलियम कूपर को पता चलता है कि फ्रैंक उसी के घर में मौजूद है। ये जानकर विलियम कूपर घबरा जाता है और फ्रैंक कहता है कि अगर सैरा को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी फैमिली तो गई समझो। विलियम कूपर प्रॉमिस करता है कि सैरा सेफ रहेगी और फिर फोन काटने से पहले फ्रैंक अपना प्लान कन्फेस करता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को मारने वाला है। वो मरेगा अपने पुराने काले करतूतों की वजह से और हमें मारने के ऑर्डर देने की वजह से। हम में से कई तो मर भी चुके हैं जिनके नाम लिस्ट में थे। विलियम कूपर अपनी टीम के साथ अपने घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसकी फैमिली सेफ है। ये जानकर वो रिलैक्स हो जाता है।
उसे अपनी टेबल पर फ्रैंक की छोड़ी हुई ग्वाटामाला की फाइल और CIA की ID मिलती है। इस फाइल को फ्रैंक ने CIA के हेडक्वार्टर से चुराया था। इसके बाद फ्रैंक अपनी टीम से वापस मिलता है। अब इवान भी इनके साथ है। इवान बताता है कि मेरे प्यार ने यानी कि विक्टोरिया ने मुझे 3 गोली चेस्ट में मारी, पर ये हम दोनों को बचाने के लिए था। वो चाहती तो गोली मेरे खोपड़ी में मारती और मुझे पता था कि वो मुझे चाहती है। इवान फ्रैंक से कहता है कि तुम सैरा की फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे सैरा को रेस्क्यू करना है और वाइस प्रेसिडेंट को एक्सपोज करेंगे। ये लोग फिर शिकागो चले जाते हैं, जहां वाइस प्रेसिडेंट स्टैंटन एक फंड रेजिंग मीटिंग होल्ड कर रहा था। यहां सिक्योरिटी काफी टाइट थी, पर फ्रैंक की टीम आराम से अंदर इंटर कर जाती है। विक्टोरिया तो व्हाइट गाउन पहन के एज अ गेस्ट आई थी और मार्विन यहाँ एज अ वेटर था। रॉबर्ट स्टैंटन यहाँ पहुंच जाता है और गैदरिंग को एड्रेस करता है और कहता है कि मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ और आप मॉनेटरी सपोर्ट दें कैंपेन के लिए। फिर बाद में यहाँ पर म्यूजिक और डांस चालू हो जाता है और विक्टोरिया और इवान भी साथ में डांस करते हैं। विक्टोरिया अपने पर्स से एक स्प्रे कैन इवान को दे देती है, जिसे वो पूरे कमरे में स्प्रे कर देता है। विक्टोरिया फिर बॉल रूम छोड़कर यहाँ से निकल जाती है और अपने हैवी नेकलेस से डबल डोर्स को बाहर से लॉक कर देती है। अब स्मेल पूरे रूम में फैलने लगती है, तो इवान हल्ला मचा देता है कि गैस लीक हो रही है और जल्दी से अलार्म बजा देता है, जिससे यहाँ भगदड़ मच जाती है। पर मेन डोर्स को तो विक्टोरिया लॉक कर गई थी। सीक्रेट सर्विस को अब मजबूरन वाइस प्रेसिडेंट को लेकर अल्टरनेट एग्जिट से निकलना पड़ता है और ये लीमो से निकलने वाले थे, पर वहाँ विक्टोरिया और मार्विन मौजूद थे, जो कि मशीन गन से हैवी फायरिंग करते हैं। जब सीक्रेट सर्विस वाले वाइस प्रेसिडेंट को बैकअप लीमो से ले जाने लगते हैं, तो वहाँ इवान आकर उस गाड़ी को भी उड़ा देता है। तभी यहाँ विलियम कूपर आ जाता है और मशीन गन के पास पहुंच जाता है, पर मशीन गन अब लीवरेज सिस्टम से ऑटोमेटिकली फायरिंग कर रही थी, वहां कोई नहीं था। विलियम कूपर सीक्रेट सर्विस वालों को और वाइस प्रेसिडेंट को अंदर जाने को बोलता है। ये लोग किचन से होकर आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ भी विक्टोरिया और मार्विन धुआंधार गोलियों से इनका स्वागत करते हैं। पर इस सब में अब विक्टोरिया को गोली लग जाती है और विक्टोरिया अब चल भी नहीं पा रही होती, तो वो मार्विन को अब जाने को कहती है, तो मार्विन बेमन से उसे छोड़कर चला जाता है। विक्टोरिया फिर किचन के एक कोने तक पहुंच जाती है, जहां एग्जिट ब्लॉक था। अब वो गेट को भी नहीं खोल पा रही होती और अब अपना फेट का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी यहाँ पे इवान आकर विक्टोरिया को रेस्क्यू कर लेता है और बाहों में उठाकर ले जाता है। विक्टोरिया कहती है, ओ इवान आई लव यू। रॉबर्ट स्टैंटन को बिल्डिंग से एस्कॉर्ट कर लिया जाता है। यहाँ अब स्टैंटन के साथ 2 गार्ड थे। मार्विन अपने ऊपर एक्सप्लोजिव बांधकर इनकी तरफ भागने लगता है। ये तीनों डर जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सील वाली एक लीमो में बैठ जाते हैं। विलियम कूपर इन्हें रुकने को कहता है, पर स्टैंटन ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी चलाते रहो। ये ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक मोजिस था। वो तीनों को टेजर से बेहोश कर देता है और दोनों गार्ड्स को गिरा देता है। और अब वाइस प्रेसिडेंट यानी कि स्टैंटन फ्रैंक के पास होस्टेज है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रैंक विलियम कूपर को कॉल करके स्टैंटन के बदले सैरा की डील करता है। फ्रैंक स्टैंटन को लेकर उस जगह पहुंच जाता है। यहाँ पर 2 गाड़ियां आ जाती हैं, जिसमें विलियम कूपर, सिंथिया, सैरा, अलेक्जेंडर और कुछ गार्ड्स थे। रॉबर्ट स्टैंटन अब रुआंसू हो रहा था। वो कहता है कि मैंने नहीं बल्कि अलेक्जेंडर ने किलिंग के ऑर्डर दिए थे। मैं तो ये सब एक्सपोज करना चाहता था ताकि ये सब खत्म हो। अलेक्जेंडर फिर कन्फेस करता है कि मैं ही सारी किलिंग्स के पीछे का मास्टर माइंड हूँ। CIA और सिंथिया के साथ मिलकर ये किया मैंने, और विलियम कूपर और CIA का यूज लूज एंड्स को फिक्स करने के लिए किया। रॉबर्ट स्टैंटन तो बेचारा बलि का बकरा था। अलेक्जेंडर कहता है कि फ्रैंक अपनी गन गिरा दो, तभी हम सैरा को छोड़ेंगे। अलेक्जेंडर विलियम कूपर को ऑर्डर देता है कि फ्रैंक को हथकड़ी लगा दो, तो विलियम कूपर ऑर्डर मानकर हथकड़ी लगा देता है, पर चाबी चुपचाप फ्रैंक को दे देता है। दरअसल विलियम कूपर को अब पूरा षड्यंत्र समझ में आ गया था। अलेक्जेंडर विलियम कूपर को कहता है कि फ्रैंक और सैरा का काम तमाम कर दो और तुम्हें CIA का हेड बना दिया जाएगा। विलियम कूपर ऑफर को कंसीडर करने की सोचता है, पर तभी सिंथिया सैरा की खोपड़ी पर गन तान देती है। ये देखकर विलियम कूपर को गुस्सा आ जाता है और वो सिंथिया को टपका देता है, और फ्रैंक अलेक्जेंडर के पास पहुंचकर उसको ठिकाने लगा देता है। अलेक्जेंडर के बॉडीगार्ड कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले विक्टोरिया, इवान और मार्विन सबको गोलियों से भून डालते हैं। और अब सब कुछ खत्म होने के बाद फ्रैंक विलियम कूपर से पूछता है कि ये सिचुएशन संभाल लोगे क्या? तो विलियम कूपर कहता है कि ठीक है, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा, और वो फ्रैंक और उसकी टीम को जाने देता है। पर जाने से पहले मार्विन
मरे मराए अलेक्जेंडर को दो चार गोली और मारकर अपनी खुरापाती भड़ास निकाल लेता है। फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपनी टीम के साथ कहीं जा रहा है, तो इवान फ्रैंक से कहता है कि मेरा एक एहसान उधार है तुम पे, मोल्डोवा में एक न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सैरा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो फ्रैंक से कहती है कि हम भी चलेंगे। अब फ्रैंक की कंपनी में सैरा भी खतरों की खिलाड़ी बन चुकी थी और फ्रैंक खुशी खुशी उसे हाँ कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।